hello students today we start with binomial nomenclature in previous video we study about the introduction of the nomenclature vernacular names history about the binomial nomenclature and advantages and disadvantages of the vernacular names now in this video we will study about binomial nomenclature in detail according to this system every name comprises of two words a substantive जीनस एंड एडजेक्टिव स्पीसीज इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है एक जीनस और दूसरा स्पीसीज से जिन्स इज कॉमन टू ऑल दी स्पीसीज तो जीनस जो है कॉमन रहेगा सभी स्पीसीज के लिए द नेम ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन सम फिक्स्ड एंड डेफिनेट वर्ड्स विच यूजली इंडिकेट सम प्रॉपर्टी ड बाई प्लांट्स और एनिमल्स जो नेम होता है स्पीसीज का वो बेस्ड होता है कुछ फिक्स्ड जो है और डेफिनेट वर्ड्स के ऊपर जो है ये बेस्ट होता है एनिमल तो जो स्पीसीज का नेम है वो इंडिकेट करेगा कुछ प्रॉपर्टी को उस प्लांट की या किसी एनिमल की नाउ कमिंग टू नेक्स्ट समटाइम जेनरिक नेम्स आर ऑल्सो गिवन ऑन देश ऑफ द डिस्टिंग बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट कई बार जो है जेनरिक नेम जो होते हैं वो दिए जाते हैं ऑन द नेम ऑफ द बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट तो जोलॉजिस्ट और जो बोटनिस्ट होते हैं जो उनको जो है इन्वेंट करते हैं उनके नाम पर जो है वो जेनरिक नेम दिए जाते हैं एग्जाम्पल लिवरवर्ट सेवारडेला आफ्टर प्रोफेसर स्टीवार्ड और लाइकन चौधरिया आफ्टर डॉक्टर एच पी चौधरी तो ये जो है नेम जो है दिए गए हैं साइंटिस्ट के या जो उनके इन्वेंटर हैं उनके बेसिस पर लिवर वर्ट स्वेरडेला इसमें जो स्वेरडेला है लिवर वर्ट स्वे जो होता है एक तो उसका जो स्वेरडेलिया जो जीनस है वो किससे इन्वेंट uh, किया गया किसके द्वारा जो है इन्वेंट किया गया वो स्टीवार्ड के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया इसलिए उसका जेनरिक जो है नेम दिया गया स्वेरडेलिया और लाइकन चौधरिया लाइकन है उसको डिस्कवर किया था डॉक्टर एच पी चौधरी के द्वारा तो इसलिए उसको जो है चौधरिया नाम से जो उसका जीनस दिया गया स्पेसिफिक नेम्स फॉलो जीनस एंड आर रिटन इन स्मॉल लेटर अब ये रूल्स के बारे में बता रहा है कि जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं वो फॉलो करते हैं जीनस मीन्स कि पहले जीनस लिखा जाएगा उसके बाद जो स्पीसीज लिखी जाएगी जो स्पेसिफिक नेम है वो लिखा जाएगा एंड आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स तो ये जो स्पीसीज होती हैं ये जो स्मॉल लेटर से लिखी जाती हैं हमेशा एक्सेप्ट वेन दे आर इंडिकेटेड ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है कि अगर वो जो है किसी इम्पोर्टेंट पर्सनेज के बारे में बता रही हैं किसी पर्सन के बारे में बता रही हैं तो उस केस में जो है वो उस पर्सन के नेम को जो है रिप्रेजेंट करेंगी एग्जाम्पल पाइनस रॉक्सवर्गी तो पाइनस रॉक्सवर्गी में जो पाइनस है पाइनस का पी जो है कैपिटल लेटर से लिखा गया स्टार्टिंग कैपिटल लेटर पी से हुई है तो इट मीन्स कि ये क्या है जीनस है जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है जबकि जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल uh, 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 होता है तो ये जो है पाइनस रॉक्सबर्गी ये रॉक्सबर्गी जो स्पीसीज है ये जो है प्रोफेसर के नाम पर दी गई प्रोफेक्स रॉक्सबर्ग था उन्होंने इसको डिस्कवर किया था उसी के नाम पर इस स्पीसीज का नाम रख दिया गया पाइनस रॉक्सबर्गी द नेम ऑफ द ऑर्थर इज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीसीज जो नेम होता है ऑर्थर का उसको डिस्क्राइब किया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीसीज अगर ऑर्थर का नेम भी लिखना हो साथ में तो वो स्पीसीज के बाद लिखा जाएगा तो ये एग्जाम्पल दे समझाया भी गया सोलेनम ट्यूब्रोसम लिन तो सोलेनम ट्यूब्रोसम सोलेनम इसमें जीनस है ज जीनस टिब्रोसम इज स्पीसी नेम ऑफ दिन इंडिकेट्स तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो लिन जो है ये रिप्रेजेंट करता है लिनियस को जो फेमस साइंटिस्ट हैं तो उनके नेम को रिप्रेजेंट करता है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल्स आर होमोसेपियंस लिन तो एक और एग्जाम्पल दिया गया होमोसेपियंस लिन तो ये जो है लिन क्या है ये जो है पर्सन का नाम है जो ऑर्थर है उसका नाम साथ में दे दिया गया है होमो सेपियन लिन होमो है जीनस सेपियंस है स्पीसीज एलो बारविडेनिसिस मिल तो इसमें एलो जो है ये जीनस है बारविडेनिसिस जो है ये जो है स्पीसीज है और मिल जो है इसमें ऑर्थर का नेम इंडिकेट कर रहा है समटाइम स्पेसिफिक ने, नेम कैन बी गिवन आफ्टर ए कंट्री और लोकेलिटी तो कई बार जो है स्पेसिफिक नेम जो होता है स्पीसीज का नेम जो होता है वो कंट्री के नाम पर भी दे दिया जाता है या लोकेलिटी जिस एरिया में वो जो है पाया जाता है प्लांट उसके बेसिस पर भी उसको जो है स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है तो इसका एग्जाम्पल है रोज़ा इंडिका तो ये जो है रोजा जो है जीनस है इंडिका इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये जो है इंडियन वैरायटी है रोज की तो उसका एग्जांपल दिया गया है तो रोजा इज द जीनस इंडिका जो है स्पीसीज है तो ये दिया गया है कंट्री के नेम के ऊपर उसी तरीके से रिमैक्स नेपेलिस को दिया गया है तो नेपलिस जो है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिमक्स जो है ये जो है जीनस है और नेपालेनिस जो है स्पीसीज है दैट्स ऑल इन दिस वीडियो